हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ गरम मसाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम खाना बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि काफ़ी स्वादिष्ट बने, तो इसके लिए हम गरम मसाले का यूज़ करते हैं। वैसे तो ये मार्केट में काफ़ी इजीली हमें मिल जाता है, लेकिन उसमें उतनी फ्रेग्रेंस, प्योरिटी और फ्रेशनेस नहीं होती है जितनी हम घर पर प्रिपेयर कर सकते हैं। और इन मसालों को हम एक दिन पहले धूप ही लगा सकते हैं और अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मैंने क्या इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं। यहाँ पर मैंने साबुत धनिया एक बाउल लिया है, जीरा एक स्मॉल बाउल लिया है, लौंग 20 से 25 लिए हैं, दालचीनी 10 से 12 पीसेस लिए हैं, बड़ी इलायची 10 से 15 ली है, हरी इलायची 10 से 12 ली है, काली मिर्च एक स्मॉल बाउल लिया है, तेज़पत्ता 5 लिए हैं, सौंफ एक स्मॉल बाउल लिया है, और चबीला एक बाउल लिया है, रतन जोत एक बाउल लिया है, नट में एक 2 से 3 लिए हैं। आप देख सकते हैं कि आपको कितने टाइम के लिए बनाना है, आप उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी ले सकते हैं। एक साल का भी बना सकते हैं और आप 2 साल के लिए भी रिस्टोर कर सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने जायफल लिया है, यहाँ पे मैंने जायफल 2 से 3 लिए थे, इनको हल्का सा मैंने कूट लिया है ताकि सॉफ्ट हो जाए, और ग्राइंड करने से पहले इसको सॉफ्ट कर लेना है ताकि ग्राइंड करते समय हमें आसानी हो सके। और यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने सूखा धनिया, साबुत धनिया ऐड किया है, और अब मैं इसमें जीरा ऐड करूँगी। जीरा ऐड करने के बाद मैंने इसमें लौंग डाल दिए हैं। लौंग मैंने यहाँ पे 20 से 25 यूज़ किए हैं, ऐड कर दिए हैं। मैंने दालचीनी ऐड की है और अब मैं बड़ी इलायची डाल दूंगी। बड़ी इलायची डालने के बाद मैंने हरी इलायची डाल दी है और अब मैं इसमें काली मिर्च डाल दूंगी। और इसके बाद मैं तेज पत्ता इसमें डालूंगी और साथ ही मैं सौंफ ऐड कर दूंगी इसमें। और यहाँ पे अब मैं चबीला यूज़ किया है, मैंने यहाँ पे चबीला ऐड किया है, और इसके बाद मैं रतन जोत ऐड करूँगी, और इसके बाद मैं जायफल, जैसे कि आप जानते हैं जायफल को मैंने पहले से सॉफ्ट कर लिया था थोड़ा, और इसे हल्का सा रोस्ट कर लेना, आपने लो फ्लेम रखना है, 1 मिनट के लिए ही इसे रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और आप देख सकते हैं कि खुशबू है जो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, पूरी किचन में खुशबू फैल गई है, किचन क्या पूरे घर में से खुशबू आ रही है और काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है इसकी। और ये मसाला जब रेडी होगा, इसे खाने में डालेंगे तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। और इसे रोस्ट करने के बाद ठंडा कर लेना है, ठंडा करने के बाद ही इसे आपने ग्राइंड करना है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए, ठंडा होने पे मैं इसे एक जार में निकाल लूँगी। जार में डालने के बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी। जार में आपने तभी डालना है जब ये ठंडा हो जाए, और अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। और ग्राइंड करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए किस तरह से पाउडर है जो बिल्कुल मार्केट के जैसा बन के रेडी हुआ है, मार्केट से बल्कि ज़्यादा अच्छा घर पे प्रिपेयर हो गया है, और फ्रेग्रेंस है जो बहुत अच्छी आ रही है। और आप इसे खाना बनाते टाइम जब तड़का लगाते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, तड़के के साथ ही इसे भी भून लें और इससे जो खाना बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा गरम मसाला बनाने का मेथड। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।